हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा मकान है जो कि पुराना मकान है। ये इसको रेनोवेट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताएंगे किस तरीके से, कितना खर्च और कितना समय लगता है ऐसा घर तैयार करने में। इसको बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं कि ग्लेजिंग ये जितने भी ऊपर नीचे की ग्लेजिंग है सारी की सारी नई हो जाएगी। कुछ इस तरीके से दिखता है ये दूर से। इसको पूरे घर को नया करने वाले हैं, लेके पेंट पॉलिश है, खिड़की दरवाजे पेंट पॉलिश एंड पैलिंग, इसकी चादर सारा कुछ नया करने वाले। ये खिड़की दरवाजे सारे नए हो जाएंगे। देखते हैं कितना समय लगता है और कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसमें लग गई है लगभग 3 महीने। 3 महीने इसमें पूरे घर में लग गए हैं, जो कि ग्लेजिंग और इसका छत का थोड़ा छज्जा वगैरह ही बनाया था। ये है कुछ स्लीपर जो कि 24 इंची के स्लीपर हैं। ये फाड़ करके हम खिड़की दरवाजे बनाने वाले हैं इसके। ये रखे स्लीपर बहुत ही पुरानी लकड़ी थी जो कि हमने प्लानर पर जो चीरो हुई है। ये अब खिड़की दरवाज़ों का प्रोसेस चला हुआ है जिसमें कि पताम फट हुए, हल्की सी गुलाई का डिज़ाइन दिया हुआ खिड़की में, ऊपर को गुलाई नीचे को प्लेन थोड़ा। ये लगभग 40-45 खिड़कियां हैं ऊपर ऊपर की ओनली ग्लेज की, उसमें काम चला हुआ है। खिड़की में ये डिज़ाइन डाल रहे हैं, जैसे कि ये रूट में आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा। ये गोला लगने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है, क्योंकि ये रोटर से डिज़ाइन डल जाता है तो बहुत ही प्यारा लगता है डिज़ाइन। क्योंकि खिड़की में जैसे कि अगर प्लेन रखते तो उसमें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये डिज़ाइन जैसे कि गोला है, ये स्टेप स्टेप का ये रोटर में जो बिट बांधा हुआ है वो डिज़ाइन वाला है कुछ, जो कि नीचे एक्चुअली में नीचे जो खिड़की लगी हुई है उससे भी मैचिंग करता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। अगर इस खिड़की की बात करें तो खिड़की ये दीवार की लकड़ में तैयार की हुई, जो कि अभी दिखाते हैं स्लीपर चीर के, उससे सारी खिड़कियाँ तैयार की हुई हैं स्लीपर चीर चीर के। ये देख पा रहे हो आप कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया। ऐसा ही डिज़ाइन बनाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है ये खिड़की का। खिड़की का ये साइज़ होगा लगभग 22 इंची बाई 4 फीट के करीब, 22 इंची चौड़ाई होगी, 4 फीट हाइट होगी इसकी खिड़की की। ये साइज़ इसका पताम फाड़ रहे, पताम फाड़ के इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है, पताम का ही प्रोसेस चला हुआ है। आप देख पा रहे हो जैसे कि ही अब कुछ खिड़कियाँ बन गई थी तो उन्हें लगाने के लिए तैयार थी। ये कुछ खिड़कियाँ लगा हुई हैं, लगा दी है हमने। ये देख रहे हो आप, लोकेशन भी काफ़ी प्यारी है वैसे तो यहाँ की देखा जाए तो। ये है कुछ ग्लेजिंग इनकी, ग्लेजिंग में अभी नीचे फर्श में भी बहुत काम बाकी है, फर्श को इसको पूरा नया कर देंगे अंदर से, ऐसा समझो आप ऑलमोस्ट नया ही कर देंगे। ये कुछ खिड़कियाँ लगा दी हैं, ऐसा दिख रहा है हमारा बिल्डिंग का कुछ नक्शा। ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता पूरा मकान, बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि ये सड़क के साथ है तो सड़क में चलते चलते भी बंदा देख लेता है कैसा लगता है, पर इस काम के बाद बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बनने वाली है।
ये देख पा रहे हो। ओह वाओ कितना प्यारा खिड़की बने, खिड़की बहुत प्यारी लग रही है। कि गुलाई है नीचे प्लेन और बॉक्स बॉक्स ये चौरस सी से आए हुए इसके, जैसे कि 8 इंच बाई 8 के, 10 इंच बाई 10 के कोई ऐसा साइज आया हुआ इनकी खिड़कियों का। खिड़की एक छोड़ के एक खोलेंगे, एक छोड़ के एक खोलेंगे, एक बंद रखेंगे मतलब, और एक कब्ज़े लगा के खोलेंगे उसको खिड़की को, ताकि धूप सेकने के लिए भी इजीली अच्छा रहता है। ये कुछ ऐसा अभी तो बहुत ही पुराना, ज़्यादा कचरा हो रहा है इसलिए आपको लोकेशन अच्छी नहीं दिख पा रही है, पर ये अभी थोड़ा टाइम लगने के बाद बहुत ही प्यारा बनने वाला है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी काम है हमारा। काफ़ी काम होने के बाद फिर देखेंगे आप तो कितना प्यारा लगने वाला है। वीडियो में फुल बने रहे हैं आप। अभी काफ़ी ज़्यादा कचरा हो रहा है, काफ़ी लकड़ी इधर से उधर बहुत ज़्यादा फैले हुई है, इसलिए अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा अभी। पर इसको बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं, क्योंकि रेड कलर की इसमें चादर लगाएंगे और जो खिड़की और बटन जितना भी चमक रहा है इसको वाइट करेंगे हम। ये थोड़ा सा छज्जा ये पहले से ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ था, मेरे ख्याल से छोटा हुआ था, जो छत लगाई थी जिस बंदे ने उसने छोड़ रखा था, इसलिए हम थोड़ा अपनी इसका छज्जा बनाएंगे अच्छे से। इसमें बताएंगे लगभग ये 14 इंच का छज्जा था इधर को, उसमें पीछे को बैक साइड में भी बनाएंगे चारों साइड से, इसको नया कर देंगे पूरे मकान को। ये देखो खिड़की लगने के बाद बहुत ही प्यारा बना। अभी इसमें काफ़ी काम है, क्योंकि खिड़की लगी मेरे ख्याल से अभी कब्जे लगने बाकी होंगे, कब्जे खिड़की अगर लगा भी दिखोगे। यह है चादर का प्रोसेस, चादर खिड़की सारी लगी, चादर लगाने के बाद जो रेड कलर की चादर बहुत ही प्यारे दिखेंगे। पहले क्या था अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है वैसे तो। यह कुछ ऐसी मौसम, वाओ लोकेशन देखो आप कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ की। यह आया कुछ इस तरीके से चादर लगने के बाद हमारा मकान बिल्डिंग, या पेंट पॉलिश का काम चालू हो गया है। ये देखो ऐसा ही वो कुछ काम कराने के लिए, अभी पेंट पॉलिश काफ़ी बाकी है, ऐसे ही काम कराने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।